सो हाय एवरीवन, और आप देख रहे हैं डोगरा फ्रॉम पर्वत, और मैं हूँ सक्षम, एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम तांडी। अभी फ़िलहाल तांडी में हम कर रहे थे कैंप कल रात को, परसों रात हम मनाली थे। काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है हमें निकलने में ना, क्योंकि 8 बंदों का ग्रुप है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है आगे पीछे मूव ऑन करने में। और हम जाने वाले हैं आज गोंगबू रंजन, और गोंगबू रंजन में पहुँचने के लिए हमें काफ़ी लेट हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो फिलहाल जल्दी जल्दी है ना कैंप क्लोज करते हैं हम अपना, और फिर मैं आपको मिलूंगा, गोप्रो में मिलता हूँ मोस्टली। सो दिस इज तांडी ब्रिज एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स गोंगबू रंजन। तो पहला स्टॉप है अपना कीलोंग। कीलोंग है 7 किलोमीटर्स, देन इज दारचा, देन इज बारालाचा, देन इज सरचू, बट वी विल टेक टर्न फ्रॉम दारचा आई गेस टुवर्ड्स गोंगबू रंजन। ओके, एंड पहाड़ों का सीन तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ से। ये जाता है रोड चंद्रभागा को, कांगरा पोस्ट, आई थिंक यही है किश्तवाड़ वाला टर्न जो है ना, यही निकलता है। अब व्यू जो है ना एकदम सीनिक हो चुके हैं। थोड़ा तेज तेज चलाओ, हाँ ओके, मैंने आगे तेज रखा है, आगे तेज रखा है। टाइम काफी लेट हो चुका है, वाटर क्रॉसिंग तो बढ़ जाएंगी भाई, मेरे को बहुत ही डर लग रहा है वाटर क्रॉसिंग से ना, बहुत ज्यादा। यहाँ से पहाड़ों के सीन ही चेंज हो जाते हैं। आई थिंक वी आर गोइंग टू अप्रोच जिस्पा नाउ, वी आर क्लोज टू जिस्पा। हम जब चलते हैं ना तो मैं देखता हूँ कि हम बहुत तेज चलते हैं, और जब हम रुक जाते हैं तो हम बस रुक ही जाते हैं। शार्प टर्न्स अहेड। अभी फिलहाल क्या हुआ था, एक जंप आया और ना वॉकी टॉकी गिर गया था। वॉकी टॉकी पता नहीं कैसे गिरा यार, क्लिप किया हुआ मैंने, काफ़ी टाइट क्लिप किया हुआ है, पर फिर भी गिर गया। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। बट यहाँ से नज़ारे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। तो लाइक कर दो वीडियो को अभी के अभी, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो एंट्री हो चुकी है दारचा, और बाकी सब आ गए हैं। राइडिंग जैकेट मुझे पहननी है यार, पर अभी देखो इधर ब्रेकफास्ट करना था। लेट्स गो, लेट्स गो। फिलहाल हम एंटर कर गए हैं जंस्कार, और आई डोंट नो अभी यहाँ से कितना टाइम लगे, काफ़ी लेट हो चुके हैं। खाया कुछ नहीं हमने, तो अभी देखते हैं। शिंकुला क्रॉस करके एक ढाबा है, वहाँ तक पहुँचेंगे, 4 घंटे लगेंगे, तो मिलते हैं आगे रोड पे। सो यार, हम ना नो नेटवर्क जोन में एंटर कर चुके हैं, और घर पे कॉल तो हो गई है, बस पापा को कॉल नहीं हो पाई है, बाकी सबको मैंने कर दी, मम्मा को कर दी, भाई से बात हो गई, पापा को फ़ोन करने लगा, नो नेटवर्क आ रहा था। चलो कोई ना, पर एक एक बार सबसे बात हो गई है मेरी। भाई मैं आ गया हूँ क्लासिक पे, लेकिन मेरे से बिल्कुल चल नहीं रही है। वॉबल बहुत है भाई इसकी बाइक में, निर्भय मेरी बाइक चला रहा है, उसको मीटियर का एक्सपीरियंस करना था। तो भाई अब हम कर रहे हैं ऑल्टीट्यूड गेन, 13,000 फीट से हम जाने वाले हैं 16,000 फीट टुवर्ड्स शेंकुला।
सच बताऊँ तो मैं डायमॉक्स का कोर्स कर चुका हूँ, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, आई एम फीलिंग फाइन। ये एरिया अराउंड 14,000 फीट के पास पास होगा। अभी मैंने 2 शार्प कर्व्स लिए हैं और क्लासिक चलाने के बाद इट्स अ टफ बाइक फॉर मी टू हैंडल इट, एक्चुअली आई एम नॉट यूज टू इट, बट मैंने क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाइक से बहुत ही कम उससे पावर लगवाऊँ, इसलिए मैं उसके लाइट वेयर गियर्स यूज़ कर रहा हूँ, 3rd 4th। सेकेंड को मैं यूज़ करता हूँ एक शार्प स्टीप चढ़ने के लिए, मैं अपनी बाइक में भी ऐसे ही चलाता हूँ। उससे ना 2 फायदे होते हैं आपको, बाइक का आपकी खुश रहती है और क्या, मेरा ट्राइपॉड पीछे है। तो यार अभी इस बंकर से हमने थोड़े से अंडे और मैगी वगैरह खाई है, क्योंकि सुबह से सिर्फ चाय पी रखी थी, और अभी आगे वाटर क्रॉसिंग जानी है तो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने अपने वाटरप्रूफ शूज़ कवर्स सब डाल लेंगे, फिर आगे निकलेंगे, है ना। बाकी यहाँ से व्यू को काफ़ी अच्छा है, पानी वानी तो मिल रहा है, टाइमिंग अब मैनेज करनी ही पड़ेगी, क्या कर सकते हैं भाई। कश्मीर मनाली हाईवे जो था, कश्मीर ले हाईवे जो है ना, पूरा जैसा बना है वैसे ही भाई, पूरा संस्कार का रोड इन्होंने बना रखा है। मेरे को लगा था काफ़ी ऑफ रोड मिलेगा, पर भाई शिंकुला मेरे को लगता है अभी रह गया 5 या 7 किलोमीटर, और अभी तक भाई टारमैक पर चल रहा हूँ मैं। मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि मुझे ऑफ रोड मिलेगा बहुत ज़्यादा, अब आई नो आगे मिलेगा, पर ये रोड भाई, ये मक्खन है रोड। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल अकेला चल रहा हूँ, 4 बंदे आ गए हैं, 4 नहीं 1 राइडर आ गए हैं और बाकी राइडर सारे पीछे हैं। अभी हल्का हल्का सिर हैवी हो गया क्योंकि हेलमेट काफ़ी देर से पहना हुआ है, और मुझे लगता है ड्राइनेस भी है स्कैल्प पे। आपको क्या लगता है कहीं और लेके जा रहा हूँ मैं आपको? रोड बड़ी क्लासी है यार। चौथे गियर पे आ जाओ, न्यूट्रल कर दो, मतलब चौथे गियर पे छोड़ दो बाइक को। राम की बाइक तेरी भी गाड़ी 300 ना? हाँ 420 उनकी बाइक में दिक्कत है ना, हल्की सी दिक्कत है उनकी बाइक में। पूरे रोड डाल के हम शिंगला पहुंच गए हैं, वी डिडंट एक्सपेक्टेड दिस। वी आर एंटरिंग जंस्कार एंड द रोड ऑफ वाटर क्रॉसिंग्स। आई होप ये टैंक बैग ना गिरे, एंड वॉट एंड ये वॉकी ना गिरे। पहली वाटर क्रॉसिंग, दिस इज प्योर ऑफ रोड एंड आई एम लविंग इट एंड नॉट लविंग इट। तो गया भाई उछल के पानी। नाइस नाइस, खींचो खींचो, करण एक ही फ्लो में। शबाश, सेंटर ले। जिगजैग। ओह स्टैंडर्ड है मैं भाई, स्टैंडर्ड में पावर का इशू है।
गया पानी अंदर। ये रेन कवर वगैरह सब बेकार है, पानी अंदर चले ही जाता है भाई, सच बोल रहा हूँ। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा था बाइक बह गई तो ये पहली वाटर क्रॉसिंग और पहली में हालत खराब है यार, पहली में हालत खराब है, सोचो आगे क्या होने वाला है भाई। जूते देखो गीले हो गए एकदम, और पानी इतना ठंडा है कि पाँच सेकंड भी मैं इन गीले जूतों में नहीं रह पा रहा हूँ। ओह यार लगेगी रात, नहीं आ पाएंगे। भैया वो वाला स्टेप लो, निर्भय फंस गया। आप नहीं जाओ ज्यादा, पैर आ जा। थैंक यू भाई। उसको एक्सपीरियंस कम है, उस बाइक का नई बाइक ली है। पानी पिलाओ। क्या है, चक्कर खा रहा है, कमी हो रही है भाई। इसको करते हैं इसको ठीक। रियली वेल एक्चुअली टीआरके वाले भैया जो है ना, उनकी टीआरके अभी नई है, उनको 1000 किलोमीटर भी नहीं चलाई है, फर्स्ट टाइम वो सीधा ऑफ रोड पे, इतने हार्श ऑफ रोड पे आ गए हैं, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। रोहित भी आपने पता क्या करना था, एक फ्लो में बाइक लानी थी 20 की स्पीड पे, मेंटेन रखनी, जहाँ पे रुकती वहाँ पे धक्का देते। अब पैर धोने लगा के देख रहे हो कहाँ पे अटकेगी, वो अटकेगी छोटे गड्ढे में, फ्लो लेना एक बार में ही। भाई पहली वाटर क्रॉसिंग में ही हालत सबकी ख़राब हो गई है। अभी मैं आगे निकल गया हूँ दूसरी वाटर क्रॉसिंग पे पहुँचने के लिए, फ्लो देख सकते हो भाई साइड पे बहुत तेज़ हो रखा है। यही गलती करते हैं कि हम काफ़ी लेट निकले, तो अगर आप आए तो कोशिश करें कि आप सुबह ना 6 बजे अपने किसी भी डेस्टिनेशन मनाली हो कि लॉन्ग हो, आप सुबह 6 बजे निकलें वहाँ से, ताकि 12-1 बजे तक आप यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग कर लें। अब मेरा टैंक बैग जो है ना वो भी फिसल रहा है। तो भाई शिंकुला से नीचे उतर रहे हैं, शिंकुला से काफ़ी आगे से नीचे उतर रहे हैं अभी, और सच बताऊँ तो कोई एक भी गाड़ी नहीं है भाई रोड पे ना, एक दो टेम्पो दिखा मुझे ट्रैवलर वो भी, और जो दूसरे लोडर्स हैं वो एक गया बस, बाकी पूरे इस रोड पे कोई नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सबको कुछ साल पहले यहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं था, लोगों को क्या करना पड़ता था, जंस्कार वैली जो थी वो करगिल से कनेक्टेड थी, और वो भी पूरा ट्रैक था, तो लोग ट्रैक करके जाते थे पूरे पूरे हफ्ते का, और अपना गुसर बसर चलाते थे। फिलहाल हम नेक्स्ट वाटर क्रॉसिंग को अप्रोच करने ही वाले हैं, एंड जो टाइमिंग हो रखी है भाई अभी, टाइमिंग का ही खेल है सारा यहाँ पे, बट आई लव जंस्कार, आई लव एडवेंचर, आई लव ऑफ रोड। यहाँ से गोंगवरंजन सिर्फ हमें 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा हमें वाटर क्रॉसिंग करने में लगेगा। गया था भाई मैं, फिसल गया था अभी। फॉग जम रहा है यार इसमें, इसमें फॉग इसलिए जमता है क्योंकि मैंने ना ऑडियो के लिए सारे एयर वेंट बंद कर रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ यार वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, अच्छी और लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना कमेंट ज़रूर करके जाना, और मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में आपके। ये उनको है जो सब्सक्राइब नहीं करता है, क्योंकि
ये गोंगबो रंजन है, ये गोंगबो रंजन जब उधर पहुंचोगे तो ये दिखेगा। सही में ये गोंगबो रंजन है सच में कि ऐसे फेंक रहा है? सच बोल रहा हूँ। रिपोर्टर क्रॉसिंग है नहीं कोई? हाँ अभी रिपोर्टर क्रॉसिंग का बाप आएगा आगे, जो कैंप साइड जाना ना उससे 10 मिनट पहले है, वो वाटर क्रॉसिंग का बाप है। रास्ते में वो कहते हैं जीवल की 5 वाटर क्रॉसिंग आएगी, जंस्कार के रास्ते में आएंगी। अभी नहीं है, गोंगबो के रास्ते में हमें एक ही और मिलेगी, एक और मिलेगी। ये जंस्कार, ये गोंगबो रंजन, ये इधर से लगता है उधर से लगेगा नहीं। वो तो बड़ा सेक्सी से यार, अभी बताऊंगा ना, गोंगबो रंजन के साथ अभी बताऊंगा, आगे चलोगे पता चल जाएगा। तुषार रील बना दे यार, एक तुम्हारी भी बना दूंगा मैं, ये ले। तो ये जंस्कार रिवर है और जंस्कार रिवर के साथ साथ हमारी रोड है। ऐसे रोड सिर्फ जंस्कार में मिलेंगे तुम्हें। क्या मजा आ रहा है भाई, ये मान नहीं रहा कि गोंगबो रंजन ही है, इन्हें आगे जाके पता चलेगा गोंगबो रंजन यही है। तो रुकते हैं भाई, वो अभी बहुत पीछे हैं, वो तो अभी उतर रहे हैं कर्व्स। स्टैंड नहीं लग रहा, बैठे रहा, टेंशन लेनी ये तो निकल जा रहा है यार, आगे और कोई तो नहीं है इसके अलावा? एक इससे भी बड़ी है, क्या सीन है? इससे भी बड़ी है मैं कह रहा हूँ। जाना कहाँ है? वो दिख रही है सूखा वाला रोड, वो दिख रहा टेंट, हाँ वहाँ जाना है बस, चले जाएंगे। इसके आगे एक वाटर क्रॉसिंग हो रहा है, इधर आओ, वो टेंट साइड दिख रही है, हाँ। ये गोंगबो रंजन है, हाँ। वो वहाँ पे जाना है हमने बस। बस? यस। हमने वहाँ जाना है? हाँ। बुढ़े मारे चलो फिर। कहाँ पे? कहाँ पे? वो सामने टैंक कैंप साइड दिख रही है, वहाँ पे। बड़े टेंट लगे हैं उधर। हाँ। ठंडा रो रहे हैं यहाँ पे। स्टैंड पे बजा, स्टैंड पे बजा, सेंटर में, सेंटर में, सेंटर, 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 इजी 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 इजी, सेंटर, 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 सेंटर में रखो, सेंटर में, सेंटर में रखो। एक बड़ी वाटर क्रॉसिंग है यार, टेंशन उस चीज की है बस, वो मुझे पता है कि वो खतरनाक चीज है, वो बंदा ले जाएगी इस टाइम पे, बंदा क्या बाइक के साथ ले जाएगी वो। आई होप यहाँ के लोकल्स ने ना कुछ करा हो उसके लिए तो सही रहेगा। हटा, जा सकते हैं? नहीं जा सकते, भैया वो कैंप वालों से पूछो, ओए कैंप वालों से पूछो आगे कैसा की सीन है, आगे की वाटर क्रॉसिंग क्रॉस की है गाड़ियों ने? ऊपर से जा, ऊपर से जा, हैं? चलें फिर साथ साथ। चलो। रुक। उसे पकड़ लेंगे 2 मिनट।
आधा फुट है, जगह दो। भाई टफ है आपको। बलराम भैया इधर साइड कर रहे, रोहित भैया आप इसे इधर साइड कर रहे हैं, तो भी सेम है, तो इधर भी से बैठ रहा हूं, इतना सिस्टम हो गया, गोड़े पे बैठो, गोड़े पे गरम बट्टी डाल लो, कपड़े डालो, जाओ जाओ जाओ, कपड़े डालो करो ना चाची को आगे से, ये गीले ना अंदर से यार, इसको चेंज करो, सूखे कपड़े डालो, कपड़े डालने दो, हम कर लेते हैं, हम चार बंदे हैं, मैं ये अच्छा वो भी बुरा, तीन बंदे हैं, हो जाएगा, चल बलराम भी आप लेफ्ट में रहो, मैं राइट वाली साइड रहता हूँ, करण तू आगे रह, मेरा तो इधर, या करण तू लेफ्ट में राइट में, बलराम भैया ने पहले निकलवाई ना, उनको पता होगा आगे कैसे निकालनी है, करण तो भाई फाइनली कैंपिंग साइट पे पहुंच चुके हैं, और तुम लोगों को लगता होगा कि जैसे अभी मुझे मिले दिग्गज भैया फ्रॉम फाल्कन राइडर्स, तो वो मुझे बोल रहे थे कि वीडियोस में ना अच्छा अच्छा मत दिखाना कैंपिंग के बारे में, तो जितना इसका हार्श जो होता है ना, यार कीड़ा आ गया है तो जितना हार्श होता है ना वो दिखाओ, ताकि कोई भी एरा गैरा लत्थू गैरा यहाँ पर आ ना जाए। लाइट बंद करना पड़ेगा क्योंकि कीड़े आ रहे हैं अंदर। दाल चावल? हाँ दाल चावल। कितने पैसे ले रहा? पैसे पूछ रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि जान ले ले दाल चावल के पीछे, जान तो ले, कोई नहीं आन दो, दाल चावल आन दो, एक दो तो यार दाल चावल ऑर्डर कर लेता हूँ, है ना। एंड सेकेंड थिंग, मैं दिख ही नहीं रहा हूँगा तुम्हें, मेरे को ये बंद करना पड़ेगा भाई, मैं ना तुमसे ना सब बातें करता हूँ, तो रुक जाओ थोड़ी देर। कैसे हो? देखते रहे हो कैसे हो, इतनी बुरी हालत हुई, कोई हालत नहीं व्लॉग करने की, जो व्लॉग होने वाला है वो सुबह होगा, अभी तो कुछ नहीं होने वाला है।